नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज आपको बताते हैं प्रेस्टीज का। यदि आप लिए हुए हैं, ये देखिए टच पैनल वाला है, ये जो है मॉडल है इसका एटलस 2.0 मॉडल है इसका, देख सकते हैं एटलस, तो ये टच वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको बाय किए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, तो किस प्रकार से इसको आप यूज कर सकते हैं, तो इसका हम ऐसे लिंक आपको दे देंगे। यदि इसको आपको ख़रीदना है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं इसको किस प्रकार से आपको यूज करना है। तो इसका जो है आपका जो प्लग है, इसको प्लग आपको यहां बोर्ड पर दे देना है, इस प्रकार से देख सकते हैं बोर्ड में आपको दे देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ऑन करने के लिए, जैसे ही आप लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है एक रेड कलर का यहाँ पर ये आपका ब्लिंक करेगा, देख सकते हैं एक इंडिकेटर यहाँ पर जो है, देखिए ये जो है बिलिंग कर रहा है यहाँ पर, देखिए ऑन ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है। वो जो अगर यदि आपका लाइन यहाँ पर जो है करंट इसमें दे देते हैं तो ये बिलिंग करना शुरू कर देता है, देख सकते हैं ये इस प्रकार से यहाँ पर ये शुरू कर देगा, यानी कि इसमें जो है आपका करंट आ चुका है। अब जो है ऑन करने के लिए आप जो भी बर्तन को, आप स्टील का भी प्लेन बर्तन को इसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार का बर्तन को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार से रख देना है। उसके बाद जो इंडक्शन का बर्तन होता है उसको भी आप इसको इसमें यूज कर सकते हैं, तो जो नीचे में जो पट्टी रहता है इंडक्शन वाला, उस बर्तन को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बर्तन को आपको इसमें रख देना है। उसके बाद ऑन करने के लिए इसको आपको हल्का सा यहाँ पर देखिए ये टच करना है आपको, इस प्रकार से थोड़ा हल्का सा यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको टच करना है, तो ये आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ये जो है ये ऑन हो चुका है। अब जो इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, ये वाला बटन को आपको एक बार प्रेस करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस नहीं, आपको यहाँ पर इसको सिर्फ टच करना है, यहाँ पर इस प्रकार से टच कर देना है, तो आपका ये जो है ये चालू हो जाएगा। देखिए ये जो है इंडक्शन यहाँ, तो अभी जो वाट इसमें 1200 वाट यूज हो रहा है, देख सकते हैं। इसको यदि आपको बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए ये प्लस है इधर, ये माइनस है, उसमें आप टाइम सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस बटन है, तो इसको आप दाब के इसका जो है पावर को बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दामना है, तो इसका जो पावर आपका ये बढ़ जाएगा, देख सकते हैं इस प्रकार से इसको आप बढ़ा सकते हैं 2000 इसका मैक्सिमम वाट है, 2000 मैक्सिमम वाट है, तो 2000 तक ही जाएगा। उसके बाद इसमें आप यहाँ पर ये जो है माइनस बटन है, इसको आप प्रेस करके इसका पावर को घटा सकते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से हल्का सा थोड़ा यहाँ पर जो है टच जब करते हैं तो पूरा जो है कम्प्लीट आपको टच करना है, अंगुली को जब आप सटाते हैं तो पूरा अंगुली आपको यहाँ पर सटाना है, तब आपका इजी से काम करेगा, देख सकते हैं ये इस प्रकार से। तो इसमें जो है आप घटा सकते हैं, आपको जितना घटाने का है इसमें देख सकते हैं, आपको 120 तक जो है मिनिमम है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इससे फिर आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर यदि आपको इसको चेंज करना है मोड को, तो यहाँ पर देखिए मोड दिया हुआ है जो है डोसा का है, देख सकते हैं ये सारा है जो है हीट मिल्क है, करी है, प्रेशर कुकर का अगर देते हैं तो प्रेशर कुक यहाँ देखिए दिया हुआ है, डीप फ्राई है, सेटुल इडली, चाइल्ड लॉक यहाँ पर देखिए लास्ट में है, तो चाइल्ड लॉक का ही बताएं किस प्रकार से आप चाइल्ड लॉक को ऑन कर सकते हैं। तो अभी जो है थोड़ा इसका पावर हम घटाते हैं। अब जैसे अभी यहाँ पर डोसा और चपाती में है, तो इसको अगर यदि आपको करना है हीट मिल्क में करना है, तो उसके लिए आपको ये मेन्यू बटन को एक बार दाबना है, एक बार जैसे ही दाबते हैं तो देखिए ये जो है यहाँ रेड जो है ये रेड में आ गया, तो अब जो है ये रेड में आ गया, यानी कि अब जो है आपका इसमें हीट मिल्क में आ गया है, तो देख सकते हैं इसी प्रकार से आप इसका जो जितना जो है मोड है उसको इस प्रकार से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, तो इसका जो है पावर भी आपका बढ़ते जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर आपको यहाँ लास्ट में इडली है, तो इडली तक आपका यहाँ पर जो है चल जाएगा। अब जो है यदि मान लीजिए आप चाइल्ड लॉक करना चाहते हैं, तो चाइल्ड लॉक के लिए है जैसे कि यहाँ पर जो है हम इसका पावर घटा देते हैं, इसका जो है यदि आप चाइल्ड लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए जैसे यदि मान लीजिए ये चालू है, और यदि आप चाहते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो इसके लिए जो क्या करना है आपको ये दोनों बटन को एक साथ में ही दोनों बटन को आपको इस प्रकार से प्रेस करके आपको रखना है, इस थोड़ा देर होल्ड करके आपको रखना है, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों को एक साथ प्रेस करना है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में जो है आपको एक साथ इस प्रकार से दे के रखना है आपको, और जब तक नहीं ऑन हो जाता है तब तक आपको यहाँ से अंगुली हटाना नहीं है। देखिए ये जो है ये चाइल्ड लॉक यहाँ पर देखिए ये ऑन हो चुका है, इसी प्रकार से आपका ये चाइल्ड लॉक ऑन हो जाएगा। उसके बाद जो है बटन कोई छूता है तो ये काम नहीं करेगा, देख सकते हैं कोई भी बटन जो है काम नहीं करेगा। अब मान लीजिए इसको आप ऑन करना चाहते हैं जो है चाइल्ड लॉक को, अगर यदि ऑन हो चुका है तो आप चाहते हैं कि उसको बंद करने के लिए, तो फिर से इसको थोड़ा देर आपको इस दोनों को एक साथ में इस प्रकार से
दाब के आपको रखना है, देख सकते हैं, तो आपका जो है चाइल्ड लॉक ऑफ हो जाएगा। देखिए ये जो है ये ऑफ हो चुका है। तो यही था इसका फंक्शन, यही था। इसी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये टच पैनल है पूरा, ये टच में करने से ही आपका ये जो है वर्क करना शुरू कर देता है। तो और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको जो है टाइम के लिए यहाँ पर है, टाइम आप सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये बीच में आपका दिया हुआ है टाइम सेट करने के लिए, तो इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ जो टाइम आप सेट कर देते हैं उतना टाइम में आपका ये जो है ये ऑफ हो जाएगा। यही है, देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रेस्टिक्स का एटलस 2.0 है। अगर यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में और कुछ अगर यदि आपको लगता है जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यही था सारा फंक्शन जो इसका था, मेन फंक्शन यही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।